नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। इस बीच बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, कुछ ही देर में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में शिवराज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कई अहम प्रस्ताव आज इस बैठक में पेश किए जाएंगे जिनमें मोहर लग सकती है। भोपाल से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की ये बैठक शुरू होने वाली है और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है इस बैठक में। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की अहम बैठक करने वाले हैं और बैठक में सरकार रेत के ठेकेदारों को राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए कारोबार को देखते हुए ठेका अवधि बढ़ाने के लिए 10% फीस जमा करने का प्रावधान किया जा सकता है। खनिज साधन विभाग के इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा और इसके साथ ही कैबिनेट में सीएम राइज स्कूलों के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। 3 चरणों में 9,200 स्कूल तैयार किए जाएंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग कोरोना संकट से निपटने के लिए करने के लिए 1 साल की छूट के निर्णय को अनुमति मिलने की आज उम्मीद है। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के लिए गठित विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालन के लिए 33 नए पद बनाने की स्वीकृति भी दी जा सकती है और जूनियर डॉक्टर्स को मिलने वाले स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। तो आज कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगने की संभावना है। अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है इस बैठक के जरिए। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जुड़ गए हैं लाइव अधिक बातचीत के साथ। प्रभु पटेरिया जी, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर मिल पा रही है सर, क्या आज फैसले इसमें हो सकते हैं? देखिए पराग, जैसा कि हम बता रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है कि जो डेट ठेकेदार हैं जिनको पिछले 1 साल से कोरोना कारण जिनका कारोबार ठप हो गया था क्योंकि विकास कार्य बंद थे, कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो चल रहा था या लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि वो निर्माण कार्य नहीं करा रहे थे, तो उस वजह से वो रेट ठेकेदारों ने भी सरकार को एक तरीके से मेमोरेंडम दिया था कि वो अब आगे ठेके छोड़ना चाहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो सरकार का एक बड़ा रिवेन्यू खनिज विभाग से भी आता है और उसमें रेत का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार उनको छूट देने के बारे में आज कैबिनेट में निर्णय ले सकती है कि वो उनका ठेका रिन्यू कर दिया जाए 10% फीस देकर, जो हर साल नई पुल नीलामी से रेट बढ़ाए जाते हैं जी। वो प्रक्रिया यहाँ पर लागू नहीं की जाएगी। बिल्कुल, ये वैसा ही मामला है जिस तरीके से आबकारी ठेकेदारों के लिए सरकार ने व्यवस्था की थी कि उनको भी इस तरीके की छूट दी गई थी, बस ऑपरेटर्स को भी टैक्स में छूट सरकार ने दी है। तो कोरोना के बाद के जो अनलॉक में अब प्रदेश को पटरी पर लाने की जो काम चल रहा है जी, उस दिशा में सरकार ये एक बड़ा फैसला लेने जा रही है जिससे कि रिवेन्यू भी सरकार का बढ़ता रहे और रेत का कारोबार भी जैसा सुचारू रूप से चलता है वो चलता रहे, तो एक बड़ा फैसला ये होने वाला है। इसके अलावा सीएम राइज स्कूल एक कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में लाया गया है जो नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे जहां अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का प्रबंध होगा, तो उस तरीके के स्कूलों के लिए व्यवस्थाएं करने का मामला कैबिनेट में आ रहा है, उस पर वो चर्चा करेंगे। जूनियर डॉक्टरों ने पिछले दिनों हड़ताल की थी दूसरी लहर के दौरान, वो अपने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तब आश्वासन दिया था मंत्री ने लिखित आश्वासन पर, वो हड़ताल उन्होंने बाद में वापस ली थी। उस पर कैबिनेट ने जो एक फार्मूला बना हुआ है कि हर साल महंगाई के अनुपात में उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा, तो वो एक उस मुद्दे पर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। तो एक तरीके से जूनियर डॉक्टरों की जो स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग बोलो का हर बार साल दो साल में जो आंदोलन की स्थिति बनती है उससे प्रदेश को निजात मिल सकेगी और एक अस्पतालों की सुचारू व्यवस्था हो सकेगी। ये बिल्कुल ये निर्णय तीसरी लहर की चेतावनी को देखते हुए लिया जा रहा है कि जब तीसरी लहर आए तो फिर वो स्थिति ना निर्मित हो। इसके अलावा विकास से जुड़े हुए कई और मुद्दे हैं जिन पर मुख्यमंत्री बात करने वाले हैं और आज यदि हम बात करें कैबिनेट के बाद तो मुख्यमंत्री कैबिनेट के बाद फिर 4 या 5 मंत्रियों के साथ 1-to-1 कर सकते हैं क्योंकि सभी मंत्री कैबिनेट में मौजूद रहेंगे जी। और कैबिनेट के बैठक के बाद मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे, उनके विभागों के बारे में बात करेंगे, योजनाओं पर बात करेंगे और जो कैबिनेट में अहम बात होने वाली वो कोरोना का जो वैक्सीनेशन ड्राइव अभी जो चल रहा है, टीकाकरण अभियान जो मध्य प्रदेश में चला है जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है पूरे देश में, उसको लेकर सभी को बधाई दी जाएगी क्योंकि सभी मंत्रियों को इसका अलग अलग क्षेत्रों का जिम्मा दिया गया जी। टारगेट सेट किए गए थे, मंत्रियों को उसका प्रभारी बनाया गया था और ये अभियान लगातार अभी चलना है,
1, 2, 3 जुलाई को फिर प्रदेश में इसी तरीके का एक महाअभियान भी चलेगा, तो उसकी तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट में इस बारे चर्चा होती है। प्रभु जी, माना जाए कि अब कोरोना की तैयारियों के साथ साथ, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के साथ साथ, उसके पैरेलल अब विकास कार्य भी तेज गति पकड़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक्शन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नजर आ रहा है, सरकार के मंत्रियों का नजर आ रहा है, जाहिर है कि जो विकास की रफ्तार कम हो गई थी, जो गाड़ी विकास की पटरी से उतर गई थी, एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है। यानी वो बिल्कुल ये जाहिर कर रहा है कि प्रदेश को अब विकास की दिशा में दौड़ाने के लिए मुख्यमंत्री छूट गए हैं। एक तो उनका जो नियमित कार्यक्रम वो चलाते हैं कि रोज एक पौधा लगाते हैं, जिससे प्रदेश में लोगों को पौधा रोपण के प्रति जागरूकता, उससे वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उसे काम उन्होंने भी किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद वो जैसा मैंने बताया कि मंत्रियों से मिलेंगे, इसके अलावा ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे कि उद्योग धंधों के लिए प्रदेश में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था कैसे हो, बिजली के जो दाम है उनका युक्ति उत्तरण कैसे किया जाए, क्योंकि बढ़ाने की स्थिति मध्य से महीने में दूसरी बार ऐसा हो रहा है जी। कि एनर्जी डिपार्टमेंट टैरिफ बढ़ाने जा रहा है, तो उसको लेकर न्यायालय में उनकी पिटिशन भी हुई है, उसको निर्णय होना, तो उसको लेकर सरकार अपने संसाधनों के साथ कैसे छूट की जा सकती है उस व्यवस्था को करेगी। आपको याद होगा पिछली कैबिनेट में ही बिजली के लेकर 3-14 हजार करोड़ रुपए देने का प्रावधान सरकार ने किया, तो एक ये भारत सरकार पर बढ़ सकता है, उसके बारे में सरकार विचार करने जा रही है। और दूसरा, प्रदेश में रोजगार की नई संभावनाएं खुलने को लेकर मुख्यमंत्री बात करेंगे। व्यवसायिक परीक्षा मंडल की जो चयन परीक्षा 2 साल से लंबित चल रही है, वो निपाय परीक्षा या कोरोना उन परीक्षाओं को कराया जाएगा, स्कूलों में संदर्भ शिक्षकों की भर्ती की जानी है, अस्पतालों में हेल्थ वर्कर की भर्ती की जानी है, अलग अलग स्तर पर जो भर्तियां होनी है सरकार की, उस पूरे कार्यक्रम को कैसे सुचारू ढंग से किया जाए, उस दिशा में भी मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं। इस तरीके से वो अलग अलग स्तर पर बात होगी। और प्रदेश के जो नीति आयोग की तरफ पर जो नीति आयोग प्रदेश का, तो उसकी एक बैठक होगी और वो पूरी साल भर के कार्यक्रम जो के विकास के लिए है उसको चर्चा होगी कि कहाँ कमियां है, क्या फीडबैक है, और उसको लेकर कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए। तो ऐसा इस तरीके से विकास का पूरा एक फार्मा बनाया गया है जिसको लेकर लगातार काम होना है। चले, आपका बहुत शुक्रिया प्रभु पेटेरिया जी, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर इस बैठक में